तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और एक आज नया वीडियो लेके मैं आप सभी को अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं गाइस। तो आज का वीडियो काफ़ी अलग सा होने वाला है फ्रॉम माय पास्ट वीडियोस। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं ट्रैवलिंग वीडियोस बनाता हूं, और सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप अगर मेरे ट्रैवलिंग वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता हूं अपना ट्रैवलिंग में। तो उसी में से एक कंपोनेंट जो मेरा बैग है, तो उसे आज मैं आप सभी के सामने अनबॉक्स करने वाला हूं। आई एम चेंजिंग माई बैग बिकॉज ऑफ सम इनकन्वीनियंस दैट आई हैव फेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑन माई जर्नीस। तो आज इसीलिए मैं अपना बैग अपग्रेड करने वाला हूँ आप सभी के सामने। तो गाइस, दिस इज द पर्टिकुलर ट्रॉली बैग दैट आई हैव ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट, जो मैं आप सभी को सामने आज अनबॉक्स करने वाला हूँ। हालांकि मैंने इसको पहले से खोल रखा है, क्योंकि मैं वेरी एक्साइटेड था इसको देखने के लिए कैसा होगा कैसे होगा। या सो आई हैव ऑर्डर दिस फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड लेट्स री अनबॉक्स दिस इन फ्रंट ऑफ यू गाइस टुडे। एंड दिस इज फ्रॉम ए कंपनी नेम सफारी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दिस इज क्वाइट स्टाइलिश। तो बेसिकली आई हैव ऑर्डर दिस ऑन फ्लिपकार्ट एंड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस बैग दैट आई हैड, जो मेरा बैकपैक था, तो उससे काफ़ी अच्छा है ये। बिकॉज जब भी मैं बैकपैक के साथ अपना ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरा बैक पेन या फिर चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इतना इतना भारी भरकम सामान मुझे पीठ में कैरी करके लेना घूमना पड़ता है। बट अभी वो झंझट नहीं होगा, क्योंकि आई लिटरली हैव दिस ट्रॉली बैग अगेन एंड आई कैन लाइक रोल इट अराउंड एवरीवेयर आई वॉन्ट टू गो। तो गाइस, ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है, सफारी ट्रॉली बैग दैट आई हैव राइट हियर। और इसके ऊपर एक फिल्म लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है रिमूव फिल्म बिफोर यूज, बट आई प्रेफर नॉट टू रिमूव द फिल्म बिकॉज इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द कलर ऑफ दिस मटेरियल। और द बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी स्टर्डी है इसमें। लेट्स गिव यू अ क्विक 360 डिग्री व्यू ऑफ दिस ट्रॉली बैग। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बिहाइंड, दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द साइड वेज, फ्रंट वेज एंड द अदर साइड वे। और इसमें जो लॉक है वो है नंबर लॉक सिस्टम, और इसमें कॉम्बिनेशन जो बाय डिफॉल्ट आता है वो है 000000, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रॉली बैग दैट आई हैव गाइस इज क्वाइट स्टर्डी, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे इट्स मेड फ्रॉम अ पॉलीकार्बोनेट मटेरियल, या जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है वो है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल। और आपको इसमें 5 ईयर्स वारंटी मिलता है, 5 साल का वारंटी मिलता है। एंड यू बेसिकली गेट ए QR कोड राइट हियर, जो आपको स्कैन करना है और इनका ऑफिशियल वेबसाइट में इसको अपलोड करना है विद द इनवॉइस, एंड दैट विल वैलिडेट द वारंटी जब से आप इसको परचेस किए हैं। सो या दिस इज हाउ इट लुक्स। और इसका जो नंबर लॉक मैकेनिज्म है, आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर पहली बार इसको लेते हैं तो यू माइट गेट कन्फ्यूज हाउ टू ओपन दिस। तो इट इज़ बाई डिफॉल्ट इसको जो है इसका कॉम्बिनेशन लॉक 000 है, तो कन्फ्यूज ना हो। आप इसको लेते हैं तो यू जस्ट हैव टू मैच दिस टू 000 एंड देन यू हैव टू प्रेस दिस बटन लाइक राइट हियर एंड देन ये खुल जाएगा। या तो गाइस, इस ट्रॉली बैग में आपको 2 हैंडल भी दिया गया है और एक स्लाइड अप हैंडल। आप सभी को पता है इसका काम क्या है, जो इतना तक ये एक्सटेंड होता है, ये लॉक हो जाता है बीच में एंड देन इट क्लोजेस डाउन लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पे 2 और हैंडल दिया गया है, जो है ये वाला, इसको आप ऐसे भी उठा सकते हैं, एंड इधर एक हैंडल दिया गया है दिस वन, तो इसे आप ऐसे भी उठा सकते हैं लाइक ए ब्रीफ केस। एंड सिंस यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, तो इसका मतलब नीचे भी रखने का कोई इंतजाम भी किया होगा। तो या आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुट रेस्ट 4 दिया गया है, यहाँ पे 1, 2 एंड इधर भी 3 एंड 4। सो दिस इज हाउ यू कैन कैरी दिस बैग लाइक दिस और लाइक दिस गाइस। तो गाइस, ये था इस ट्रॉली बैग का एक्सटेरियर, जो मैंने आपको अभी दिखाया। एंड नाउ लेट्स डिग इनटू इट्स इंटीरियर गाइस। और उससे पहले लेट्स ओपन दिस कॉम्बिनेशन लॉक। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसको यू हैव टू मैसेज इनटू 000, अभी यहाँ पे 9 है, सो लेट्स मेक इट 0। यहाँ पे 1 है तो लेट्स मेक इट 0, एंड यहाँ पे 2 है तो लेट्स ऑल्सो मेक इट इनटू 0। और अगर मैं इसको अभी प्रेस करता हूँ तो इट विल जस्ट पॉप आउट द लॉक, ऐसे खुल जाता है। एंड नाउ यू आर रेडी टू ओपन दिस पर्टिकुलर बॉक्स गाइस। तो ऐसे आप इसको खोल सकते हैं ट्रॉली बैग को। तो पहले से उठा लेते हैं ऊपर लाइक दिस।
And now let's open this, guys. मुझे एक ही हाथ से करना पड़ रहा है बिकॉज आई एम होल्डिंग द कैमरा ऑन द लेफ्ट हैंड. कोई बात नहीं, कर लेंगे. तो यस गाइस, फाइनली मैंने इसको खोल लिया है द चेन, और अभी इसको देखते हैं अंदर से. सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द इंटीरियर गाइस. ये ऐसा दिखता है अंदर से. सो यू गेट टू मेन कंपार्टमेंट्स राइट हियर, और जो दूसरा कंपार्टमेंट है यहाँ पे, तो इसके अंदर एक चेन दिखाई पड़ता है आपको यहाँ पे. एंड यू गेट टू स्टफ योर यू नो बिलोंगिंग्स एंड योर सामान यहाँ पे. एंड और ये वाला जो कंपार्टमेंट है, इसमें आपको दो स्ट्रैप दिया गया है ताकि इसको आप खोल के ऐसा लगा सकते हैं. एंड दिस स्ट्रैप इज रियली यूजफुल अगर आप यू नो ओवर गुजाते हैं यहाँ पे सामान, एंड आपको डर है कि ये स्पिल ना हो जाए या फिर बाहर ना निकले, बिखर ना जाए अंदर ही, तो दिस विल लिटरली हेल्प इट. या सो दिस इज द इंटीरियर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रॉली बैग. नॉट मच टू सी, बट इट्स ऑलवेज ग्रेट टू नो व्हाट्स इनसाइड गाइस. तो गाइस, आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा. और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा ट्रॉली भी लेने के लिए, बेसिकली ये ट्रॉली बैग अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इसको लेने के लिए, तो आपको एक रेफरेंस एंड आइडिया मिल चुका होगा कि आपको एक्सपेक्ट क्या करना है, क्या नहीं एक्सपेक्ट करना है ट्रॉली बैग के साथ. एंड ये जो मैंने ऑर्डर किया था, इट इज़ द 66 सेंटीमीटर और द मीडियम वन. इसमें बेसिकली आपको थ्री साइजेस मिलता है. वो है 55 सेंटीमीटर जो स्मॉल में पड़ता है, जो 66 सेंटीमीटर ये है वो मीडियम में होता है, और एक है जो 77 सेंटीमीटर है वो पड़ता है लार्ज में. तो दिस इज बेसिकली द 60 सेंटीमीटर एंड इट इज़ क्वाइट यू नो हैंडी फॉर मी. इट्स क्वाइट स्पेशियस फॉर मी एंड इट विल डू द वर्क फॉर मी जब भी मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ. सो गाइज, इफ यू लाइक टू दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लीव ए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव एन ऑलरेडी. दैट वुड सपोर्ट मी अ लॉट. एंड लीव ए लाइक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.